अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हाफिज़ वकार अहमद है। आज हम 10th क्लास के फंक्शनल ग्रुप के टेस्ट पढ़ेंगे। जो हम सबसे पहले टेस्ट पढ़ेंगे वो है अनसेचुरेशन। अनसेचुरेशन का मतलब है कि ये सेचुरेटेड नहीं होगा, मतलब इसमें सिंगल बॉन्ड नहीं होगा इसमें, या डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा। ये अल्केन नहीं होगा, ये अल्कीन होगा या अल्काइन होगा। इसके आपकी बुक में दो टेस्ट दिए गए हैं, वैसे तो बहुत सारे होते हैं लेकिन आपकी बुक में दो टेस्ट दिए गए हैं, एक है ब्रोमीन वाटर टेस्ट और एक है बियर्स टेस्ट। सबसे पहले हम ब्रोमीन वाटर टेस्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें पिंच ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड डालेंगे, उसके बाद 2 cm³ ऑफ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड डालेंगे, उसके बाद 2 cm³ ऑफ ब्रोमीन वाटर, ये एक सोल्यूशन होता है आपको लेबॉरेटरी में मिल सकता है, आप उसमें डालेंगे और फिर आप शेक करें, इसे थोड़ा सा हिलाएंगे। उसके बाद आप रिज़ल्ट देखेंगे कि जो ब्रोमीन का कलर था वो पहले रेडिश ब्राउन था लेकिन अब वो डिसकलर हो जाएगा, उसका जो कलर है वो गायब हो जाएगा और वो कलरलेस हो जाएगा। तो दूसरा जो टेस्ट है वो है बियर्स टेस्ट। इसी तरह टेस्ट ट्यूब लेंगे, 0.2 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे, उसमें वाटर डालेंगे, 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ अल्कलीन केमिनोफोर सॉल्यूशन डालेंगे, पोटाशियम परमैंगनेट, इसका जो कलर है वो पर्पल होता है तकरीबन, फिर जब आप शेक करेंगे तो जिसका पिंक कलर है वो भी डिसअपियर हो जाएगा, तो इससे हमें पता लगेगा कि इसमें ये अनसेचुरेशन है। उसके बाद जो दूसरा वो है फंक्शनल ग्रुप है वो है अल्कोहलिक ग्रुप। इसके लिए भी दो टेस्ट हैं, एक है सोडियम मेटल टेस्ट और एक है ईस्टर फॉर्मेशन टेस्ट। सबसे पहले आप ऑर्गेनिक कंपाउंड इसमें जो लेंगे वो होगा 2 cm³ और वो टेस्ट ट्यूब जो होगी वो होगी ड्राई बिल्कुल, उसमें डालेंगे 2 cm³ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसके बाद आप पीस ऑफ सोडियम मेटल डालेंगे। तो जब ही जैसे ही आप ये डालेंगे रिज़ल्ट देखेंगे कि यहाँ इसमें से हाइड्रोजन गैस निकलना शुरू हो जाएगी। जो दूसरा जो इसके लिए टेस्ट है वो है ईस्टर फॉर्मेशन टेस्ट। टेस्ट ट्यूब लेंगे, 1 cm³ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे, 1 cm³ ऑफ CH3COOH लेंगे और 1 to 2 ड्रॉप्स ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे। उसे जब हीट करेंगे तो उसमें से फ्रूटी स्मेल आना शुरू हो जाएगी। जो इसके बाद जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो है ईस्टर ग्रुप। इसके लिए हमें टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती है, खुद ही अपनी खुशबू से पहचाने जाते हैं, इसमें से फ्रूटी स्मेल होती है।